स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स काड्डा में फिर से अब से भी कई बार स्वागत है हम लोग प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी जीके और जीएस के क्वेश्चन को करेंगे उसमें करेंट्स अफेयर के को क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो सभी लोग आ जाइए फटाफट ताकि हम लोग क्लास को अपने टाइमिंग के साथ शुरू कर सकें और आज से हम लोग का होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग आ जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग राम पुकार जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी लोग आ जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग प्रतिदिन की तरह <T groo mic> जो हम लोग क्लास करते हैं सभी लोग आ जाइए ताकि हम, तो हम लोग का क्लास अपने टाइमिंग के साथ शुरू हो सके तो सभी लोग आ जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं क्योंकि आज से हम लोग का होमवर्क जो दिया गया था कल उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे चलिएगा मनीष राज जी गुड मॉर्निंग तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए चलिएगा सभी लोग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग रणधीर कुमार जी गुड मॉर्निंग अमरेश मसूदन जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो सबसे पहले हम लोग जो करेंट सफेयर का क्वेश्चन होता है 15 को को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद जो लूसेंट और से जो आपका जो होमवर्क दिया गया था ए एच डब्ल्यू जो दिया गया था उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो सभी लोग याद किए होंगे हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग याद करके आए होंगे चलिएगा कबीर सिंह जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो हम लोग करेंट सफेयर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग

चलिएगा निधि जी सही का सही है जयप्रभा का सही है राम पुकार जी का सही है रणधीर जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए स्वीटी राय जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा बायोनोसो जो है उसी को क्या किया गया है तो इसके लिए इस पुरस्कार के जिससे जो सम्मानित किया गया है वो किसको सम्मानित किया गया तो बायोसो को सम्मानित किया गया इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा आप बायोसो क्या है तो ध्यान रखिएगा यह एक पॉप स्टार है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके को पर ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि द दोगी पोट लव एंड लाइफ बताइएगा द दोगी पोर्ट्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है बताइएगा दूसरा नंबर नम, क्वेश्चन आपके पर आ गया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा निधि जी का सही है जिया प्रभा का सही है कबीर सिंह जी का सही है राम पुकार जी का सही है रणधीर जी का सही है चलिएगा अरविंद जी का सही है चलिएगा स्वीटी राजी का भी सही है

जो लोग हैं उनको पर दस साल के सजा का प्रावधान कर दिया है चलिएगा चलिएगा निवास शर्मा जी गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन की तरफ सभी लोग फटाफट -फड़। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा निधि जी का सही है जयप्रभा का सही है कबीर सिंह जी का सही है रणधीर जी का सही है पुकार जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा नहीं हाल ही में अमेरिका ने क्या किया घोषणा किया कि अगर राष्ट्रीय स्मारकों को अगर कोई भी व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है तोड़ फोड़ करता है तो उसको क्या किया जाएगा तो 10 साल के सजा का प्रावधान वहाँ पे किया गया है क्योंकि हाल ही में आप लोग को पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक अश्वेत व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस के द्वारा मार दिया गया था उसके बाद वहाँ पे बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा था इसके वजह से बहुत सारे स्मारक को तोड़ दिया गया विरोध प्रदर्शन में उसके बाद यह नियम हाल ही में लाया गया है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कहाँ में तो अमेरिका में लाया गया है

चलिएगा शिवानी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रणधीर जी का सही है राम पुकार जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए बीना भारती जी का सही है

चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सिंह को आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंटिज दिवस के रूप में कब मनाया गया बताइएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके पर आ गया बताइएगा चलिए अश्विनी जी गुड मॉर्निंग चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सब लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट चलिए शिवानी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रविशंकर जी का सही है राम पुकार जी का सही है रणधीर जी का सही है रूपेश जी का सही है जयाप्रभा का सही है

चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है रिया जी का सही है प्रवीण जी का सही है शिवानी जी का सही है रामपुकार जी का सही है बीना भारती जी का सही है रूपेश जी का सही है रविशंकर जी का सही है शिवानी जी का भी सही है स्वीटी राज सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र यानी प्रोजेक्ट पलेटिना जो शुभारंभ किया गया है वो किस राज्य से प्रारंभ किया गया तो महाराष्ट्र से इसको प्रारंभ किया गया अब ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में यानी हाल ही में वहां के जो मुख्य अब ये प्रोजेक्ट पलेटिना को सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या है तो प्रोजेक्ट पलेटिना जो है यानी सबसे बड़ा प्लाज्मा टेस्टिंग इसके तहत किया जाएगा यानी प्लाज्मा टेस्टिंग इसे किया जाएगा जो क्या है तो कोविड नाइनटीन से संबंधित है अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र में दीपांकर दत्त

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बंटी जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है रणधीर जी का सही है जयप्रभा का सही है निधि जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रुपेश जी का सही है बीना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है अरविंद जी का सही है स्वीटी राज जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन इसके क्या जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो ध्यान दीजिएगा लाडर चकवेरा यहाँ के अभी तो राष्ट्रपति बने हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अब मलावी की जो राजधानी है वो कहां है तो लीलांगवे में है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ के अगर मुद्रा की अगर बात अगर किया जाएगा तो मलावी क्लाचो है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में संगीत के संजीता चानू को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है बताइएगा कि यानी सम्मानित किया जाएगा नामित किया गया इनको हाल ही में तो बताइएगा कि यह किस खेल से संबंधित है आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है शिवानी जी का सही है रणधीर जी का सही है राम पुकार जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा जितने भी स्टूडेंट है सभी का आंसर आना चाहिए रुपेश जी का भी सही है स्वीटि राजी का सही है विकास जी का सही है कौशमी जी का सही है

वन विभाग ने पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए नौमा नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइएगा चलिएगा संगीता जी गुड मॉर्निंग चलिएगा रणधीर जी का सही आंसर आया है और बताइएगा बंटी जी का सही है कौश्मी जी का सही है बीना भारती जी का सही है रामपुकार जी का सही है रिया जी का सही है अरविंद जी का सही है प्रवीण जी का सही है विकास जी का सही है चलिए स्वीटी जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड यानी हाल ही में जो लाइके पार्क विकसित किया गया है वो कहां में विकसित किया गया तो ध्यान रखिएगा यानी उत्तराखंड में हाल ही में विकसित किया गया अब हाल ही में उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर के आया था कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ बनाया गया तो गैरसैंड में बनाया गया इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और उत्तराखंड में होप पोर्टल लॉन्च किया गया था तो होप पोर्टल का यानी होप का पूरा नाम क्या था हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की अगर बात अगर किया जाएगा

चलिएगा प्रवीण जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है जयप्रभा का सही है बंटी जी का सही है राम पुकार जी का सही है शिवानी जी का सही है अश्विनी जी का सही है कोस्मी जी का सही है मंटू जी का सही है रूपेश जी का सही है

नहीं लेना होता है यानी प्रारंभ के लिए परमिशन नहीं, 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 पर नहीं तो तो मुख्यमंत्री कौन है तो सर्वानंद सोनेवाल गवर्नर कौन है तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है तो ये आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अब हम लोग बढ़ते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका रिवीजन क्वेश्चन दिया जाएगा पांच क्वेश्चन उसके बाद हम लोग होमवर्क सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष बता दिएगा सभी लोग फटाफट कौन है एक इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष छवि कौन है वर्तमान में बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बंटी जी का सही है संगीता जी का सही है स्वीटी जी का सही है बीना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है रिया जी का सही है प्रवीण जी का सही है जयाप्रभा का सही है निधि जी का सही है पिंटू जी का सही है शिवानी जी का सही है बंटू जी का सही है अरविंद जी का सही है विकास जी का भी सही है तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा बलवीर सिंह चौहान हाल ही में यानी एक विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष का अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन है ध्यान रखिएगा यानी बलवीर सिंह चौहान है जो अभी यहाँ के अध्यक्ष हैं तो यानी विधि के इसमें के अध्यक्ष है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बताइएगा कि कौन है बताइएगा बारह नंबर क्वेश्चन आपके आ गया ध्यान दीजिएगा कि नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया बीना भारती जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए पिंटू जी का सही है स्वीटी राजी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा तो एंसर कितना बढ़ जाते हैं कोश्मी जी का विषय तो ऑप्शन कहा जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा शशि थरूर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी हाल ही में नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो शशि थरूर है चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि मिशेल मेयर को वर्ष दो में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है बताइएगा तेरह नंबर क्वेश्चन आप आपके आ गया फटाफट बता दीजिएगा तेरह नंबर क्वेश्चन चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए नोबेल पुरस्कार से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बिल्कुल कबीर सिंह जी का करेक्ट आंसर आ गया है और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए तो आप सभी का चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा जितने फिजिक्स लगाए भौतिक लगाए सभी का आंसर सही है यानी भौतिक के क्षेत्र में मिला, मिला फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है मिशेल मेयर को तो ऑप्शन सी सीमेंटू जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके असम को पता गया ध्यान दीजिएगा कि फेमिना मिस इंडिया दो कौन बनी है चलिएगा बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा चौदह नंबर क्वेश्चन आपके सिमको ऊपर आ गया है, है बताइएगा फेमिना मिस इंडिया बताइएगा चलिएगा बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा रिया जी का सही है और बताइएगा शिवानी जी शिवानी जी का सही है संगीता जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए यह सही है पिंटू जी का भी सही है चलिए तो ऑप्शन होगा सुमन राव को यानी वर्ष बी करेक्ट आंसर होगा चलिए आज का पंद्रह नंबर क्वेश्चन है करेंट अफेयर का विश्व भूख सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान बताइएगा कि कौन सा रहा है दो में बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए इसके बाद हम लोग होमवर्क सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग सभी लोग बने रहिएगा चलिएगा रिया जी का सही है संगीता जी का सही है बीना भारती जी का सही है निधि जी का सही है पिंटू जी का सही तो, तो, है प्रवीण रजक जी का सही है बंटी जी का सही है ज्याप्रभा का सही है पिंटू जी का सही है बीना भारती जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा नहीं हंगर इंडेक्स में जो भारत का वन हंड्रेड टू स्थान में भूखमरी तो कौन सा देश है तो बेलारूस है जो प्रथम स्थान पर बेलारूस है प्रथम स्थान पर चलिएगा तो यहाँ हम लोग का करेंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है अब हम लोग जीके जी इसके क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था कल तो सोलह नंबर क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए और से आपको दिया गया था जो विविध में चल रहे थे और हिस्ट्री दिया गया था तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा आज का पहला यानी सोलह नंबर क्वेश्चन है कि संगीत का जनक बताइएगा कि किस वेद को माना जाता है बताइएगा सोलह नंबर क्वेश्चन आपके आ गया है मनीष राजी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है रणधीर जी का सही है पिंटू जी का सही है जयप्रवाह का सही है शिवानी जी का सही है अश्विनी जी का सही है लगातार सभी का आंसर आना चाहिए स्वीटी जी का सही है जया प्रभा का सही है विकास जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा सोलह नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यानी संगीत का जो जनक माना जाता है वो किस वेद को माना जाता है तो शाम वेद को माना जाता है शाम वेद चलिएगा एम डी परवेद आलम जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा तो शाम वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में मौर्य वंश का बताइएगा न मिलता है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सत्रशन का चलिएगा सभी लोग का आंसर आ जाना चाहिए पिंटू जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा प्रवीण रजजी का सही है चलिएगा मोरज वंस का बताइएगा रंजन जी का भी सही है बीना भारती जी का सही है राम पुकार जी का सही है मधु जी का सही है संगीता जी का सही है स्वीटी जी का सही है चलिएगा तो की कितना बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन होगा विष्णु में की जानकारी मिलती है, में मिलता है और जो वायु पुराण है तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में जिक्र मिलता है बताइएगा गद और पद दोनों बताइएगा सभी लोग चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है संगीता जी का भी सही है जया प्रभा का सही है प्रवीण जी का सही है पिंटू जी का सही है मधु जी का सही है रंजन जी का सही है पिंटू जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है एम डी का सही है स्वीटी राज जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यानी गद और दोनों में कौन सा है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यजुर्वेद चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सिंह को पूरा ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में बताइएगा अधिकरण में विभाजित है बताइएगा अर्थशास्त्र बताइएगा कि कितने अधिकरण में विभाजित उन्नीस नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा मनीष राजी का सही है रिया जी का सही है निधि जी का सही है बंटी जी का सही है जयप्रभा का सही है राम पुकार जी का सही है स्वीटी जी का सही है पिंटू जी का सही है बीना भारती जी का सही है सरोज जी का सही है मधु जी का सही है ज्योति जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ आते हैं ध्यान दीजिएगा यानी पंद्रह अधिकरण में विभाजित है यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त के अनुसार जो है यानी जो अधिकरण जो बटा हुआ है कितने तो पंद्रह अधिकरण में विभाजित है और अगर प्रकरण की अगर बात अगर किया जाएगा तो एक प्रकरण है ध्यान दीजिएगा अधिकरण कितना है पंद्रह प्रकरण की अगर बात अगर किया जाएगा तो एक है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चाचनामा के बताइएगा कि लेखक कौन है बताइएगा चाचनामा के लेखक चलिएगा बीस नंबर क्वेश्चन आपके सिम के ऊपर चलिएगा शिवानी जी का सही है रिया जी का सही है संगीता जी का सही है अमरेश मसूदन जी का सही है निधि जी का सही है जयप्रभा का सही है संगीता जी का सही है प्रवर जग जी का सही है एम डी परवेज आलम जी का सही है शिवानी जी का सही है बंटी जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है स्वीटी जी का सही है रंजन जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ हैं ऑप्शन इसका क्या जाएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चचनामा का जो लेखक है वो कौन है तो अली अहमद हथिया रखेगा चचनामा में जो वर्णन मिलता है क्या मिलता है तो अरबों का जो सिंध विजय का वृतांत मिलता है वो इस पुस्तक में मिलता है चलिएगा रवियांशु किशोर जी का भी आंसर सही आ गया है चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग ये आपका होमवर्क के रूप में दिया गया था आज आप लोग का जो वेद जितना भी था वो दिया गया था तो आप लोग ध्यान रखिएगा फिर आज होमवर्क आपको लास्ट में दिया जाएगा तो लास्ट तक सब बने रहिएगा उदात्री बताइएगा कि किस वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा इक्कीस नंबर का बता दीजिएगा उदात्री बताइएगा चलिएगा संगीता जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा सुनना चाहिए चलिएगा रिया जी का भी सही है अश्विनी जी का सही है विद्यानंद जी का सही है विकास जी का सही है सरोज जी का सही है स्वीटी जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ते है ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान <coughs> दीजिएगा ऑप्शन डी दी, कौश्मी जी का भी सही आंसर आ गया है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कहा जाएगा यानी उदात्री जो कहते हैं वो किसको कहते हैं यानी शाम वेद पाठक करता होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको उदात्री कहते हैं यजुर्वेद का जो पाठक करता होता है उसको अधर्व कहा जाता है ध्यान रखिएगा ऋग्वेद तो आप लोग को पता ही होगा कि होत्री उसको कहा जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि आगम बताइएगा कि किस धर्म के साहित्य को कहा जाता है बताइएगा आगम बताइएगा बाईस नंबर क्वेश्चन आपके सीख को पढ़ाया गया है चलिएगा आगम बताइएगा कि किस धर्म के साहित्य को कहा जाता है चलिएगा रिया जी का सही है रंजन जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए चलिएगा पिंटू जी का भी सही है विकास जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बीना भारती जी का सही है बंटी जी का सही है चलिएगा विकास जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है तो आगम कहा जाता है ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा यानी जैन साहित्य बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा रवि आंसू किशोर जी का भी सही आंसर आ गया है शिवानी जी का भी सही है कौश्मी जी का भी सही है चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ बताइएगा कि क्या होता है बताइएगा अथर्व का अर्थ बताइएगा क्या होता है तेईस नंबर क्वेश्चन आपके को गया है बता दीजिएगा सब लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए अथर्व का अर्थ बताइएगा मनीष जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा विकास जी का सही है विद्यानंद जी का सही है राम पुकार जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए संगीता जी का सही है जयाप्रभा का सही है मधु जी का सही है बंटी जी का सही है कौशमी जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बताते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा यानी अथर्व का जो अर्थ होता है वो क्या होता है तो पवित्र जादू होता है ध्यान दीजिएगा अथर्व का अर्थ क्या होता है तो पवित्र जादू होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा या जो सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है तो रिग वेद है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सीख को प्रा गया ध्यान दीजिएगा कि बावना अवतार में बताइएगा कि कितने पग जमीन की बताइएगा कि आख्यान किया गया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए निवास शर्मा जी का सही आंसर आ गया है बंटी जी का सही है पिंटू जी का सही है या प्रभा का सही है रामपुकार जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है प्रवीण जी का सही है रिया जी का सही है जी का सही है रंजन जी का भी सही है स्वीटी जी का भी सही है, है, है तो ऑप्शन ऑप्शन इसका बी का ध्यान जाएगा। बामना, अवतार में पक, तो तीन जमीन का वर्णन मिलता है तो अपने को जो सबसे बड़ा दानी समझते थे तो दानी समझते थे तो एक बार क्या हुआ कि जो जो भगवान है वो क्या किए तो इसके पास भेष बदल करके चले गए कि मतलब दानी जो सबसे बड़ा यानी जो मांगता था वो दे देता था तो जा करके मांगे तो मतलब ब्राह्मण का भेष करके

जो व्यक्ति के बीच में यानी देवता और व्यक्ति के बीच में जो मिडेस्ट यानी मध्यस्थ का जो भूमिका जो निभाता है वो कौन तो अग्नि ये भी माना गया है क्वेश्चन पूछता है कि जो देवता और जो मानव है इसके बीच यानी मिडेस्ट का जो भूमिका यानी मध्यस्थ का भूमिका करता है तो कौन करता है तो ध्यान रखिएगा अग्नि ही इसका आंसर होगा तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके को गया ध्यान दीजिएगा कि ऋगवेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है यानी सोम देवता को समर्पित है बताइएगा सभी का आंसर आइए छब्बीस नंबर का चलिएगा शिवानी जी का सही है संगीता जी का सही है बंटी जी का सही है निधि जी का सही है रणधीर जी का सही है अश्विनी जी का सही है प्रवीण जी का सही है रंजन जी का सही है मनीष राज जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रविंशु जी का सही है स्वीटी जी का सही है चलिए तो आंसर कितना ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा यानी नौवे मंडल में जितने भी ऑप्शन सी लगाए सभी का आंसर सही है यानी नौवे मंडल में जिक्र मिलता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है बताइएगा चलिए होमवर्क में आप लोग का सभी याद है इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को चलिए शिवानी जी का सही आंसर है संगीता जी का सही है रिया जी का भी सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए रणधीर जी का सही है अश्विनी जी का सही है

मंडल है उसमें क्या है तो हास्त लिखित को क्या कहा जाता है, का है कि का जो वो किस वेद में मिलता है बताइएगा जादू टोना का वर्णन नंबर क्वेश्चन चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया बंटी जी का सही है जयाप्रभा का सही है कबीर सिंह जी का सही है मधु जी का सही है संगीता जी का सही है शिवानी जी का सही है पुकार जी का सही है चलिएगा बीना भारती जी का सही है रंजन जी का सही है पिंटू जी का सही है विकास जी का सही है रवि अंशु जी का सही है निधि जी का जो वर्णन मिलता है वो में, तो में जादू टोना का जादू टोना हो गया या विवाह का भी जिक्र मिलता है तो कहाँ मिलता है विवाह हो गया गोद लेना हो गया ये सब जितना जो मिलता है वो किस में मिलता है तो अथर्वेद में ही मिलता है अब ध्यान दिए कभी कभी क्वेश्चन क्या कौन सा ऐसा वेद है जिसमें स्त्री को अभिशाप माना गया तो ये भी किस में तो ऋग्वेद में सॉरी अथर्वेद में भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके आ गया ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है बताइएगा उनतीस नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा सॉरी उन्तीस नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग फटाफट रणधीर जी का सही है राम पुकार जी का सही है मनीष राजी का सही है निधि जी का सही है स्वीटी जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं

चलिएगा तीस नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभा और समिति बताइएगा दो पुत्री है बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही है बंटी जी का सही है प्रवीण जी का सही है जयाप्रभा का सही है शिवानी जी का सही है मनीष राज जी का सही है पिंटू जी का सही है बंटी जी का सही है रंजन जी का सही है रवि अंशु जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए संगीता जी का सही है पिंटू जी का सही है विकास जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर आंसर की तरफ जाते हैं ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या आ जाएगा इसका डी करेक्ट होगा यानी में कहा गया तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं इसको जो कहा गया वो किस वेद में कहा गया तो ध्यान रखिएगा अथर्वेद में ही इसको कहा गया तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सिंह को गया ध्यान दीजिएगा कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन बताइएगा कब आया बताइएगा गोत्र व्यवस्था का प्रचलन बताइएगा किस काल में हुआ है नंबर क्वेश्चन uh? आ गया है बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा विकास जी का सही आंसर आ गया है बंटी जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा मनीष राजी का सही है विद्यानंद जी का सही है स्वीटी जी का सही है चलिए तो एंसर कितना ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा नहीं उत्तर वैदिक काल में तो ध्यान रखिएगा किस किस में किस में मिलता है तो उत्तर वैदिक काल में चलिएगा अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा तो यहाँ आपका जो ऋग्वेद यानी हिस्ट्री का जो टॉपिक दिया हुआ था हिस्ट्री का यहीं तक क्वेश्चन था आप लोग का लास्ट में फिर और कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो होमवर्क सीरीज आपको कैसा लग रहा है बताइएगा सभी लोग थोड़ा सा आप लोग फीडबैक दे दीजिए कैसा लग रहा है होमवर्क सीरीज आज का सभी लोग बता दीजिए फटाफट कमेंट में होमवर्क सीरीज आपको कैसा लग रहा है बता दीजिएगा सभी लोग बताइएगा चलिए सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा चलिएगा सभी लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है चलिएगा धन्यवाद चलिएगा सभी को अच्छा लग रहा है क्योंकि सेट में जो होता है सेट में क्वेश्चन फिक्स होता है पचास क्वेश्चन लेकिन इसमें धीरे धीरे हम लोग सभी टॉपिक को धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे चलिएगा क्योंकि आप लोग को भी उसमें बैठ करके दिन भर टाइम पास होता था और इसमें कि आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा चलिएगा सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है चलिएगा तो अब हम लोग जो स्पीडी जो दिया हुआ था रेलवे जो सामान्य अध्ययन दिया हुआ था उससे हम लोग फिर हम करते हैं उसके बाद विविध में हम लोग लास्ट में चलेंगे चलिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा चलिएगा तो आज का पहला क्वेश्चन चलिएगा मनीष राज जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो अब हम लोग बत्तीस नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं चलिएगा बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट शिवानी जी का सही है बंटी जी का सही है विकास जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है मधु जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है स्वीटी जी का सही है संगीता जी का सही है पिंटू जी का भी सही है बिका जी का सही है मधु जी का सही है चलिए तो एंसर कितना बढ़ते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यानी सर्वप्रथम जो चला था वो अठारह सौ तिरपन में चला था आप सभी को पता होना चाहिए कि यानी चौंतीस किलोमीटर जो चलाया गया था वो कहां से कहाँ तक तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था अल्लाह डोलहौजी के शासनकाल में चला था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा यानी चौंतीस किलोमीटर सर्वप्रथम मुंबई से थाने तक चला था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा तैतीस नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट तैतीस नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे चलिएगा बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बताइएगा सभी लोग चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया है कबीर सिंह जी का सही है चलिए स्वीटी राज जी का सही है बीना भारती जी का सही है रणधीर जी का सही है रवि आंशु जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा शिवानी जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी जॉन मथाई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री बने थे वो कौन थे? तो बने थे तो ध्यान रखिएगा जॉन मथाई बने थे अब कौन से ऐसे रेल मंत्री हुए जो यानी दुर्घटना के बाद यानी रेल दुर्घटना के बाद दे इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने थे तो ये लाल बहादुर शास्त्री बने थे तो ये भी आप लोग याद रखिएगा

चलिएगा निधि जी का सही है रवि आंशु जी का सही है चलिएगा तो एंसर कितना बढ़ते हैं ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ममता बनर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी भारत की जो प्रथम जो महिला रेल मंत्री बनी है वो कौन बनी है तो ममता बनर्जी बनी है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा सभी लोग आप लोग जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग बुक कृपया करके बंद कर लीजिएगा बुक से देख करके आंसर नहीं देना है आप लोग का ईमानदारी थोड़ा सा बरतिएगा आप लोग आज चलिएगा क्योंकि होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है आप लोग को चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पैंतीस नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट बताइएगा की कहा जारी हुआ था चलिएगा पूनम जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सनोज जी का सही आंसर आ गया है स्वीटी जी का सही है संजीव जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा पिंटू जी का सही है कौश्मी जी का सही है मधु जी का सही है रवि जी का सही है शिवानी जी का सही है जयप्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए कबीर सिंह जी का सही है बंटी जी का चलिए तो आंसर लाहौर में क्या डाक टिकट जारी हुआ था, हुआ था।, तो ध्यान में जारी, था। ध्यान जो जारी हुआ था में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है प्लेटफॉर्म टिकट जो जाते हैं तो प्लेटफॉर्म ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां हम लोग क्या करते हैं तो इस टिकट को खरीदते हैं तो ये प्रारंभ हुआ था कहां से तो लाहौर में याद रखिएगा आप लोग चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि पहली बातानुकूलित जो डबल का जो ट्रेन चली एसी डबल डे का ट्रेन बताइएगा कि किस वर्ष चला है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिए इस क्वेश्चन पे सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बताइएगा चलिएगा बीना भारती जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिए कोश्मी जी का भी सही है निधि जी का, है। का सही है जया प्रभा का सही है चलिएगा शिवानी जी का सही है स्वीटी राज जी का सही है विकास जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा तो आंसर तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन दो हजार ग्यारह यानी सर्वप्रथम यानी एसी डबल डेकर ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी तो एक अक्टूबर दो हजार ग्यारह में चला था बताइएगा सभी लोग कहां से कहां तक चला था आप लोग बताइएगा सभी लोग फटाफट कहां से कहां तक ए सी डबल डेकर ट्रेन चला था सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट कमेंट में सभी लोग बता दीजिएगा ए डबल डे का ट्रेन बताइएगा कि कहां से कहां तक चला था दो में बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बता दीजिएगा ए सी डबल डेकर ट्रेन सभी लोग का आंसर आना चाहिए नो चीटिंग चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा चलिएगा विकास जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा इतना देर में सब खोजे में लगे हुए हैं निधि जी का भी सही आंसर आ गया है

बता दिएगा सैंतीस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सैंतीस नंबर क्वेश्चन फाउड बता दीजिएगा जो ए जो ट्रेन चला था बताइएगा कि सर प्रथम बताइएगा सैंतीस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा विद्यानंद जी का सही है रणधीर जी का सही है राम पुकार जी का सही है चलिए मनीष आर्यन जी का भी सही आंसर आ गया है बीना भारती जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए प्रभात जी का सही है शिवानी जी का सही है

मनीष राज जी का सही आंसर आ गया है रिया जी का सही है रणधीर जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है बीना भारती जी का सही है विकास जी का सही है अश्विनी जी का सही है रवियांसू जी का सही है मधु जी का सही है कौशमी जी का सही है निधि जी का सही है मनीष सारियन जी का सही है का सही है विद्यानंद जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा दीजिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय की अगर बात अगर किया जाएगा तो कहां में स्थित है तो ध्यान दीजिएगा यानी कलकत्ता में स्थित है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मालेगांव कहां का, का है तो इस बात को ध्यान रखिएगा पूर्वी सीमांत रेलवे का कहां में है तो मालेगांव में इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा बिलासपुर का अगर चर्चा किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है तो बिलासपुर में है तो चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का

उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको कभी नहीं रेलवे जोन में दिक्कत होगा या कोई भी कंफ्यूजन होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं पूर्व रेलवे का पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइएगा कि कहाँ स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा विकास जी का सही है मनीष आर्यन जी का सही है शिवानी जी का सही है संगीता जी का सही है रणधीर जी का सही है मधु जी का सही है स्वीटी जी का सही है बिना भारती जी का सही है विकास जी का सही है रवि आंशु जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है कौशमी जी का सही है प्रभात जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए पूनम जी का सही है अमरेश जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ आते हैं ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा यानी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां में तो हाजीपुर में है आप लोग बता दीजिएगा कि ये बिहार में ही स्थित है तो इस वजह से मैं क्वेश्चन आप लोग से कहा रहा हूँ बताइएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हाजीपुर में स्थापित हुआ ये किस वर्ष स्थापना हुआ है बताइएगा ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया है बताइएगा कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ है सभी लोग बता दीजिएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो बना है हाजीपुर में बताइएगा कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए हाजीपुर में बताइएगा कि जो जोन बना है बताइएगा किस वर्ष बना है है चलिएगा चलिएगा सभी का 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 आंसर आंसर आना चाहिए चलिएगा, रिया जी का सही सही आ गया बीना भारती जी निधि जी का भी सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है चलिए स्वीटी जी का सही है शिवानी जी का भी सही है चलिएगा राम पुकार जी का सही है संगीता जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है मनीष आर्यन जी का भी सही है तो दो दो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी वर्ष 2002 में जो प्रारंभ हुआ यानी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय बनाया गया वो कहां बनाया गया तो हाजीपुर में बनाया गया चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ब्रॉड गेज की बताइएगा कि लंबाई कितनी होती है बताइएगा ब्रॉड गेज की लंबाई बताइएगा सभी लोग फटाफट ब्रॉड गेज की लंबाई बताइएगा इकतालीस नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइएगा ब्रॉड गेज की लंबाई चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए पूनम जी का सही है संगीता जी का सही है जयपुर का सही है रणधीर जी का सही है शिवानी जी का सही है विकास जी का सही है प्रवीर रजक जी का सही है स्वीटी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है सभी का आंसर होना चाहिए कॉशमी जी का सही है सनोज जी का भी सही है तो की क्या जाएगा? इसका एक, का का गेज, 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 एक स्पेशल गेज है तो ध्यान रखिएगा यानी एक मीटर का जो होता है वो कौन सा होता है तो मीटर गेज होता है यानी एक दशमलव छह सात छह का होता है ब्रॉड गेज होता है उसके बाद अगर चर्चा किया जाएगा कि जीरो दशमलव सात दो मीटर जो होता है वो कौन सा होता है नैरो गेज होता है

बंटी जी का सही है पिंटू जी का सही है रवियांशु जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा विकास जी का भी सही है कौशमी जी का सही है निधि जी का सही है अमरेश मसूदन जी का सही है चलिएगा तो सभी का आंसर सही आ रहा है ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा ऑप्शन होगा जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है तो ध्यान रखिएगा परम्बुर कहाँ में स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और अगर भारत अगर अर्थ मूवर्स लिमिटेड अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ में है तो बेंगलोर में है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा लेकिन इसका जो आंसर हो गया यानी टिग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है तो रामबुदुर में है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन तैतालीस नंबर क्वेश्चन आपके जिनको पढ़ा गया है ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि रियल कोच फैक्ट्री बताइएगा कि कहाँ स्थित है तैंतालीस नंबर क्वेश्चन चलिएगा क्वेश्चन आने के बाद आप लोग आंसर दीजिएगा चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है जायप्रवा का सही है रिया जी का सही है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा आंसर सभी लोग दे दीजिए फटाफट चलिएगा रामेश मसूदन जी, 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 जी का सही है शिवानी जी का सही है रवियांशु जी का सही है स्वीटी जी का सही है जेपी राज जी का सही है शिवानी जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है पूनम जी का सही है रामपुकार जी का सही है रवीश कुमार जी का सही है विकास जी का भी सही है शिवानी जी का सही है राम पुकार जी का सही है कौश्मी जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यानी कपूर जो स्थित है वो कहाँ में स्थित है तो पंजाब में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री यहीं पर स्थित है आप लोग देखें होंगे की ट्रेन में अगर चढ़ते होंगे तो जो ई एम होता है या कोई भी जो ट्रेन होता है उसका जो गेट होता है वहाँ पे जाकर के देखिएगा तो एक लेवल लगा हुआ होता है यानी गेट के ऊपर में देखिएगा तो क्या एक लेवल लगा हुआ रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है कि यह कहाँ का बोगी बना हुआ है यानी डब्बा जो बना हुआ है तो उस उसपे आप देखिएगा कि कपूरथला लिखा हुआ रहता है यानी कपूरथला कहां पड़ता है तो पंजाब में चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन ग्या है ग्या कि भारत की पहली बताइएगा कि कब प्रारंभ हुआ है बताइएगा भारत में बताइएगा कि जो पहली मोनोरेल जो पहली प्रारंभ प्रारंभ हुआ हुआ है वो कब बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जया प्रभा का सही है रवीश जी का सही है चलिएगा और बताइएगा रिया जी का भी सही आंसर आ गया है स्वीटी स्वीटिरा जी का सही है निधि जी का सही है कौशमी जी का सही है मधु गुप्ता जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा तो है? तो आंसर की तरफ बढ़ विकास जी का भी सही है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी 2014 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी भारत की जो पहली जो मोनो रेल है इसका जो प्रारंभ हुआ था एक फरवरी 2014 को इसको प्रारंभ किया गया था तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बताइएगा चलिएगा बताइएगा कि वर्तमान समय में बताइएगा कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन बताइएगा कि कौन सी है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा रवीश जी का सही है जयाप्रभा का सही है मनीष राज जी का सही है चलिएगा और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए बंटी जी का भी सही आंसर आ गया है मनीष राज जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है जेपी राज जी का सही है रवि आंशु जी का सही है स्वीटी जी का सही है कौशमी जी का सही है निधि जी का सही है मधु गुप्ता जी का सही है चलिए तो आंसर आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन ऑप्शन क्या जाएगा इसका डी करेक्ट होगा यानी विवेक एक्सप्रेस अब विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है तो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है लगभग कितना किलोमीटर तो बयालीस सौ छियासी किलोमीटर यह या यात्रा करती है तो ध्यान रखिएगा यानी डिब्रूगढ़ कहां में पड़ता है तो असम में पड़ता है ध्यान रखिएगा ये असम से लेकर के कन्याकुमारी तक यह चलती है यानी चार हजार दो सौ छियासी किलोमीटर यह जाती है तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सिंह पर आ गया ध्यान दीजिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज बताइएगा कि कहा स्थित है बताइएगा सभी लोग रेलवे स्टाफ कॉलेज बताइएगा कहा स्थित है सभी लोग का आंसर आना चाहिए चलिएगा विकास जी का सही है बंटी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा मनीषरा जी का सही है बिना भारती जी का सही है जयप्रभा का सही है संगीता जी का सही है शिवानी जी का सही है पूनम जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है जेपी राजी का सही है मरेश मसूदन जी का सही है स्वीटी राजी का सही है निधि जी का भी सही है कौशमी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा रवि आंशु जी का सही है काजल जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन इसका क्या जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी बड़ौदा यानी रेलवे स्टाफ कॉलेज जो स्थित है वो कहाँ स्थित है तो ध्यान रखिएगा बड़ौदा में स्थित है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में बताइएगा कि भारत का जो सबसे लंबा यानी सबसे जो बड़ा रेलवे यार्ड है बताइएगा कि में स्थित है बताइएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड बताइएगा सनोजी का सही है बंटी जी का सही है रवीश जी का सही है विद्यानंद जी का सही है शिवानी जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा रणधीर जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है मधु जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है पिंटू जी का सही है महेश मसूद जी का सही है कौश्मी जी का सही है काजल जी का सही है मंटू जी का सही है इसका जाएगा ऑप्शन दीनदयाल उराय के नाम से जानते थेदयाल तो रखा गया सबसे जो बड़ा यार्ड है तो ध्यान रखियेगा सबसे जो आप लोग बताइएगा चलिएगा कमेंट में क्वेश्चन आप लोग फटाफट बता दीजिएगा की भारत का सबसे व्यस्तम बताइएगा की रेलवे स्टेशन कौन सा है बताइएगा सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन आप लोग बता दीजिएगा सभी लोग फटे

चलिएगा बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है तो ध्यान रखिएगा हावड़ा स्टेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी सबसे जो यानी व्यस्तम यानी वहां पे सबसे अधिक गाड़ी यहाँ पर रन करती है ध्यान रखिएगा कौन सा तो हावड़ा स्टेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है हावड़ा स्टेशन जितने भी याद रखे हुए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है अगर नहीं अगर याद है तो आप लोग आज याद कर लीजिए कि सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है यानी सबसे व्यस्ततम की चर्चा अगर किया जाएगा तो हावड़ा हो जाएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले बताइएगा कि मेट्रो रेल भारत में बताइएगा कि सर्वप्रथम किस वर्ष चला था आप लोग बता दीजिएगा फटाफट भारत में बताइएगा कि सर्वप्रथम जो मेट्रो रेल चला था बताइएगा कब चला था चलिएगा मनीष राय जी का सही है बंटी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए रणधीर जी का सही है मंटू जी का सही है चलिएगा शिवानी जी का सही है और जो जो देख लिए हैं अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कहा से कहा तक चली थी ये भी बताइएगा मनीष मनीषराव जी का सही है विकास जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा उन्नीस सौ चौरासी में चला था आप लोग फटाफट -फड़ कमेंट में बता दिएगा कहां से कहां तक चला था चलिएगा बताइएगा होमवर्क सीरीज में आप लोग को दिया हुआ था याद करने के लिए भारतीय रेलवे और उसी से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो आप लोग बता दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक चला था बताइएगा चलेगा सन टू जी का भी सही आंसर है सनोज जी का सही है चलिएगा आप अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा फटाफट चलिएगा कहां से कहां तक चला था आप लोग बता दीजिएगा कलकत्ता से रिया जी कलकत्ता में ही चला था दोनों स्टेशन कलकत्ता में ही था चलिएगा रवि आंसू किशोर जी जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया स्वीटी जी का भी सही है तो ध्यान रखिएगा यानी दमदम से कहां तक चला था तो टॉलीगंज से चला था दो स्थान था यानी कलकत्ता में ही दोनों स्थान है कौन कौन तो दमदम -दम से लेकर के टॉलीगंज तक तो ध्यान रखिएगा यानी दमदम से कहां तक तो टॉलीगंज तक तो ध्यान रखिएगा डी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा चलिएगा मनीष सारियन जी बोल रहे हैं बुक्स है बिल्कुल कल से आपका होमवर्क सीरीज आप देखे होंगे थमनेल में लगा हुआ है होमवर्क सीरीज यानी अब आप आपका जो दिया जा रहा है वो सभी होमवर्क के रूप में दिया जाता है जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी से आपका क्वेश्चन क्रिएट करके अब पूछा जाएगा आप लोग को समझिए तो कल ये आपको चेंजिंग किया गया है सभी लोगों को राय सहमत लेकर के इसको किया गया है और कोई भी चेंजिंग की अगर आप सकता होगी तो आप लोग बता दीजिएगा चलिएगा रवीश जी बोल रहे हैं नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा चलिएगा दिल्ली में जो मेट्रो रेल चला था आप तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली में 2002 में चला है यानी सहादरा से तीस हजारी के बीच में चला है तो अगर दिल्ली में पूछा जाए तो 2002 में चलिएगा मनीष सारी बोला है कौन सा बुक स्पीडी लूसेंट दोनों से चल रहा है चलिएगा स्पीडी और लूसेंट से आपका चल रहा है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उनचास नंबर क्वेश्चन चलिएगा विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बताइएगा कौन सा है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बताइएगा उनचास नंबर क्वेश्चन बताइएगा उनचास नंबर क्वेश्चन चलिएगा शिवानी जी का सही तो है जयप्रभा का सही है बंटी जी का सही है मनीष जी का सही है पूनम जी का सही है बीना भारती जी का सही है राम पुकार जी का सही है संगीता जी का सही है निधि जी का सही है प्रवीण जी का सही है रिया जी का सही है मंटू जी का सही है मधु जी का सही है संटू जी का भी सही है पिंटू जी का भी सही है विद्यानंद जी का सही है काजल जी का सही है कौशमी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही है रवियांशु जी का भी सही है तो ऑप्शन इसके क्या जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है तो ध्यान रखिएगा यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अब विश्व में अगर सबसे पहले अगर मेट्रो रेल की अगर बात अगर किया जाएगा तो अठारह में चला था वो वहां पर छूट गया था आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल जो सेवा आरक्षण जो प्रारंभ हुआ है यानी जो तत्काल

चलिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे बहुत सारे 2000 लगा दिए हैं 2000 गलत है ध्यान दीजिएगा में यानी जो तत्काल जो आरक्षण सेवा जो प्रारंभ हुआ ध्यान रखिएगा उन्नीस में इसको प्रारंभ किया गया 1997 में तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन कह जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके पढ़ा गया ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे में प्रथम जो कंप्यूटर कृत आरक्षण प्रणाली का जो व्यवस्था किया गया था बताइएगा कि कहां में किया गया था नंबर क्वेश्चन नंबर नंबर सॉरी क्वेश्चन आ गया बताइएगा चलिएगा चलिएगा नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अपना पर कॉन्फिडेंस लेकर के जवाब दीजिएगा ताकि गलत ना हो चलिएगा बीना भारती जी का सही आंसर आया है कोश्मी जी का सही है रविंशु जी का सही है संगीता जी का सही है जयाप्रभा का सही है पूनम जी का सही है

वेद से वो आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा चलिएगा ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा था आप के गया है। तो का आप सभी लोग चलिएगा बावन नंबर क्वेश्चन का चलिएगा सभी का सही बंटी जी का सही है रिया जी का सही है पिंटू जी का सही है रवीश जी का सही है शिवानी जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है या प्रभा का सही है मंटू जी का सही है बिना भारती जी का सही है पूनम जी का सही है चलिए तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आंसर होगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा कि मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है बताइएगा कि के किस मंडल में वर्णित किया हुआ है चलिएगा बताइएगा तिरपन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए किस वेद में इस बात को कहा गया है बताइएगा चलिएगा ए बी ए बी आप लोग ऐसे ही लिख रहे हैं सब बी वी लिखते हुए चले जा रहे हैं सब का गलत आ रहा है सभी लोग बी लिख रहे हैं सभी का गलत आ रहा है चलिएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा यानी नौवे मंडल में कहा हुआ है क्या कहा गया मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है यह ऋग्वेद के किस मंडल में है तो ध्यान रखिएगा नौवे मंडल में है चलिएगा ऑप्शन जितने भी डी लगाए थे या लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन तय है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ऋग्वेद का बताइएगा कि कौन सा उपवेद है बताइएगा चौवन नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद का उपवेद बताइएगा कौन सा है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चौवन नंबर क्वेश्चन चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा पिंटू जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा प्रवीण राजक जी का भी सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा पूनम जी का भी सही है संतू जी का सही है मधु गुप्ता जी का सही है रिया जी का सही है रणधीर जी का सही है राम पुकार जी का सही है माधव जी का सही है

चलिएगा अर्जुन जी गुड मॉर्निंग बहुत देर से जुड़े हैं चलिएगा पचपन नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा अर्जुन जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा जादू टोना का मैं थोड़े बात कर रहा हूँ कि आप लोग सी आंसर दे रहे हैं चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए संतू जी का भी सही है पचपन नंबर क्वेश्चन का मधु जी का सही है माधव जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा रामपुकार जी का भी सही है तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद ऑप्शन बी जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी या संबंधी जो विधि विधान का पता लगाया लगा जाता है वो से आप लोग ऐसा नहीं कि जो अथर्वेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है तो अथर्वेद लगाइएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा लगाइएगा बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अनस शब्द जो प्रयोग किया गया था वो किसके लिए प्रयोग किया गया था छप्पन नंबर क्वेश्चन है अनश शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बताइएगा किसके लिए किया गया है बताइएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए बताइएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन यहाँ से आप लोग ध्यान देकर कर पढ़िएगा तभी सही होगा अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन तय है यहाँ से आप लोग का चलिएगा बीना भारती जी का सही है संगीता जी का भी सही आंसर आ गया है का सही है प्रवीण रजक जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी लोग आंसर दिया कीजिएगा संगीता जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा पिंटू जी का भी सही है कबीर सिंह जी का सही है रवि अंशु जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ कितना हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा यानी बैलगाड़ी जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है यानी रिग्वेद में अनस शब्द जो प्रयोग किया गया था वो किसके लिए तो बैलगाड़ी के लिए एक वेद में किकट शब्द प्रयोग किया गया था किकट शब्द किस लिए प्रयोग किया गया था तो बिहार के बिहार राज्य के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया था तो ये भी आप लोग याद रखियेगा ऋग्वेद में किकट शब्द जो प्रयोग किया गया था वो किसके लिए तो ध्यान रखिएगा बिहार के लिए चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में धव बताइएगा कि किसके कि 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 देवता थे बताइएगा धव बताइएगा किसके कि देवता थे बताइएगा सत्तावन नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सिंह ऊपर बता दीजिएगा सभी फटाफट धव बताइएगा किसके देवता थे चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया बीना भारती जी का भी सही है रणधीर जी का सही है चलिएगा राम पुकार जी का सही है प्रवीर रजक जी का सही है जयप्रभा का सही है पिंटू जी का सही है शिवानी जी का सही है मधु गुप्ता जी का सही है अश्विनी जी का सही है मनीष आर्यन जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है पूनम जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बंटी जी का तो ऑप्शन कहा जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा का जो देवता जो माना जाता है वो किनको तो धौ को माना जाता है किसी का देवता तो आकाश का देवता माना जाता है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा यानी यानी में में क्वेश्चन बहुत बार किया जाता जाता है है कि जो माना आकाश का देवता किनको माना जाता है तो किनको माना जाता है धौ को माना जाता है इंद्र को किसी का देवता माना जाता है तो ध्यान रखिएगा वर्षा का देवता युद्ध का देवता माना जाता है और अग्नि का बता ही दिए कि एस्ट वाला होता है उसका सोम का अगर कहा जाए तो सोम वनस्पति के देवता है ध्यान रखिएगा मारुत तो है जो आंधी तूफान के देवता है, ध्यान याम को जो माना गया है वो मृत्यु का देवता माना गया इस बात को ध्यान रखिएगा को आकाश का देवता माना गया इस बात को ध्यान रखिएगा जो है वो उनको गौ रक्षक तथा गौरक्षको के देवता माना गया तो क्वेश्चन के देवता माना जाता है तो पूषण को माना जाता था इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ऊषा जो देवता थे प्रगति एवं उत्थान के देवता थे तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ये सभी जितना भी था आप लोग याद रखिएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन से बचा हुआ है जो अगले हम लोग क्लास जो होगा अगले क्लास में हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन को जैसे है कि सबसे अधिक जो पवित्र नदी है वो कौन सी नदी है सरस्वती है सबसे जो अधिक बार उल्लेख मिलता है सिंधु नदी को मिलता है कुछ कुछ क्वेश्चन ऋग्वेद से भी आपको रहा है जो आगे हम लोग करेंगे क्योंकि एक दिन में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है चलिएगा अब हम लोग विविध स्टार्ट करते हैं

चलिएगा क्वेश्चन अड़तालीस नंबर के भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए इसमें बिना ऑप्शन का है आपको बताना है लिख करके थोड़ा सा टाइम ले लीजिए क्योंकि तो इसमें ऑप्शन देने में सही नहीं है आप लोग बताइएगा चलिएगा बिल्कुल सभी का मनीष सारेन जी का सही है बीना भारती जी का सही है बंटी जी का सही है रिया जी का सही है रविंशु जी का भी सही है चलिएगा सभी का सही आ रहा है माधव जी का सही है जयाप्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है चलिएगा अश्विनी जी का भी सही है सभी का आंसर सही आ रहा है पूनम जी का भी सही है चलिएगा बंटी जी का विद्यानंद भी जी का सही है काजल जी का सही है चलिए तो आंसर आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सभी लोगों का यानी प्रतिभा देवी सी पाटिल जो बनी थी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी लेकिन प्रथम महिला राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने वाली जो महिला थी अगर इलेक्शन लड़ने वाली अगर रहेगा तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ध्यान रखिएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिएगा जिस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ वही का आंसर दीजिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन तो में नजर आ रहा है चलिएगा बिल्कुल मनीष राजी का सही है रणधीर जी का सही है बंटी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है जयाप्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिए कौशमी जी का सही है मधु जी का सही है पूनम जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा स्वीटी राजी का भी सही है चलिएगा माधव जी का ये बिल्कुल सही इंदिरा गांधी यानी इंदिरा गांधी यानी सर्वप्रथम जो महिला प्रधानमंत्री भारत की बनी थी वो कौन बनी थी तो इंदिरा गांधी अब विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर चर्चा किया जाएगा तब कौन एस भंडार नायके एस भंडार नायके बनी थी जो कहा तो की तो श्रीलंका की विश्व में अगर चर्चा किया जाएगा कौन बनी थी तो एस भंडार नायके श्रीलंका की बनी थी अब भारत की जाएगा तो भारत के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी तो इंदिरा गांधी चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सीम ध्यान दीजिएगा साठ नंबर क्वेश्चन आपके सीम को पर साठ नंबर क्वेश्चन का बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बताइएगा कि प्रथम महिला राजदूत कौन बनी थी चलिएगा चलिएगा संगीता जी का सही आंसर आ गया जयप्रभा का सही है शिवानी जी का सही है मनीष जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बंटी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए मंटू जी का भी सही है निधि जी का सही है रवि रविंशु किशोर जी का सही है निवास जी का सही है चलिए तो आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा जितने भी इसमें ध्यान रखिएगा रिया जी का विषय है तो क्या हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल सॉरी कैप्टन लक्ष्मी लक्ष्मी पंडित ध्यान रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा विजया लक्ष्मी पंडित ध्यान रखिएगा विजया लक्ष्मी पंडित जो संघ यानी प्रथम महिला राजदूत बनी थी कौन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नंबर क्वेश्चन की तरफ सठ नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा उसके बाद अशोक चक्र वाली प्रथम चलिएगा बीना भारती जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है कौश्मी जी का सही है चलिएगा मंटू जी का सही है पूनम जी का सही है रवि अंशु किशोर जी का सही है माधव जी का सही है अश्विनी जी का सही है काजल का सही है बिल्कुल करेक्ट यानी नीरजा भनोट जितने भी नीरजा भनोट लगाए सभी का आंसर सही है नीरजा भनोट यानी अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम महिला थी ध्यान दीजिएगा कौन थी तो नीरजा भनोट आप लोग याद रखिएगा निर्जा इसमें नहीं है ध्यान रखिएगा डायरेक्ट चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाली प्रथम महिला बताइएगा कि कौन थी एवरेस्ट शिखर पर बताइएगा कि पहुंचने वाली बताइए कि प्रथम महिला बताइएगा सभी लोग फटाफट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा शिवानी जी कोई बात नहीं लेट आप लोग अगला क्वेश्चन आपके सिंह ऊपर आया हुआ रहता है तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देकर के अगला क्वेश्चन जवाब रखिए तैयार रखिए सिर्फ टाइप किए हुए रहिए सिर्फ क्लिक करना रह जाए बस

मनीष आर्यन जी का भी सही है मंटू जी का सही है चलिएगा आप ईस्वी भी लिख दीजिएगा उदय प्रताप जी का सही है रणधीर जी का सही है कौशमी जी का सही है तब तक आप लोग ईयर लिख दीजिए कि किस वर्ष दिया गया था चलिएगा मनीष आर्यन जी का सही है चलिए निधि जी का भी सही आंसर आ गया यानी उन्नीस में बिल्कुल करेक्ट इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम महिला जो भारत रत्न से सम्मानित उन्नीस सौ चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है मधु जी का सही है काजल जी का भी सही है जी का भी सही है। तो है। है कि भारत की कौन बनी थी बताइएगा सभी लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलिएगा चलिएगा बीना भारती जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है जयाप्रभा का सही है बंटी जी का सही है उदय प्रताप जी का सही है जी का, है? जी का है तो अन्ना जॉर्ज आई ए एस बनी है तो ध्यान रखिएगा आई का पूरा नाम होता है क्या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है आई का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन तो की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बताइएगा कि कौन बनी थी बताइएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बताइएगा चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है माधव जी का सही है विकास जी का सही है निधि जी का सही है रणधीर जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए मनीषरा जी का भी सही है कौश्मी जी का सही है मधु जी का सही है पूनम जी का सही है चलिए तो क्या हो जाएगा सरोजनी नायडू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा सरोजनी नायडू जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है सरोजनी नायडू यानी प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी सरोजनी नायडू चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा छियासठ नंबर क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग छियासठ नंबर क्वेश्चन भारत की प्रथम महिला सांसद बताइएगा कौन बनी थी चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा बिल्कुल मंटू जी का सही आंसर आ गया है कबीर सिंह जी का सही है रिया जी का सही है मनीष राज जी का सही है बिना भारती जी का सही है कौशमी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए माधव जी का सही है बिना भारती जी का सही है बिल्कुल राधा बाई सुब्रायन ध्यान रखिएगा राधा बाई सुब्रायन जो थी यानी प्रथम महिला सांसद बनी थी ध्यान रखिएगा प्रथम महिला सांसद कौन बनी तो राधाबाई सुब्रायन ध्यान रखिएगा चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं सड़सठ नंबर क्वेश्चन आपके को आ गया ध्यान दीजिएगा यानी मिस वर्ल्ड बनने वाली बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला कौन बनी मिस वर्ल्ड बताइएगा कि प्रथम महिला बताइएगा सभी लोग फटाफट मिस वर्ल्ड का यहाँ पे चर्चा आया है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिए मिस वर्ल्ड बताइएगा चलिएगा संगीता जी का सही है मनीष आर्यन जी का सही है माधव जी का सही है निधि जी का सही है मंटू जी का सही है रविंशु जी का भी सही है जया प्रभा का सही है मनीष राज जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा पूनम जी का भी सही है चलिएगा काजल जी का विषय है कुमारी रीता फारिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी रीता फारिया यानी मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम जो भारतीय महिला कौन थी तो रीता फारिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रीता फारिया चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अड़सठ नंबर क्वेश्चन अड़सठ नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यानी प्रथम महिला कौन है ज्ञानपीठ सम्मान बताइएगा कि सर्वप्रथम किस भारतीय महिला को दिया गया बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिए रिया जी का सही है बंटी जी का सही है मनीष राज जी का सही है माधव जी का सही है निधि जी का सही है बंटी जी का कौश्मी जी का भी सही है चलिएगा किस पुस्तक के लिए दिया गया था ये भी बता दीजिएगा कमेंट में फटाफट चलिएगा किस पुस्तक के लिए दिया गया था बताइएगा चलिएगा मंटू जी का भी सही है रणधीर जी का सही है काजल जी का सही है स्वीटी राज जी का भी सही है जयाप्रभा का भी सही है चलिएगा पुस्तक का नाम आप लोग बता दीजिएगा चलिएगा चलिएगा बिल्कुल जयाप्रभा का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा प्रथम तिषुप्ति के लिए दिया गया था प्रथम के लिए ध्यान रखिएगा प्रथम प्रतिशुति के लिए दिया गया था आशा पूर्णा देवी को प्रथम प्रतिशुति के लिए दिया गया था प्रथम प्रतिशुप्ति के लिए आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ समान दिया गया था यानी प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ समान से सम्मानित हुई आशा पूर्णा का नाम क्या था तो प्रथम पुरुष में कौन था, तो था, था।, था? तो बताइएगा क्वेश्चन आप, बता आप लोग से आसान क्वेश्चन जा रहा है लेखक बताइएगा चितंबरा का लेखक बताइएगा चलिएगा अगला चितंबरा का लेखक आप लोग बता दीजिएगा सभी लुकटाफट चलिएगा चितंबरा के लेखक महादेवी वर्मा यामा के लेखक हैं चलिएगा के लेखक बताइएगा चलिएगा फटाफट बता दीजिए चलिएगा सभी लोग फटाफट बताइएगा चितंबरा के लेखक बताइएगा आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए चितंबरा के लेखक बताइएगा सभी लोग सभी का आंसर गलत आ रहा है चितंबरा के लेखक बताइएगा सभी का आंसर गलत आ रहा है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी आप लोग सही जवाब नहीं दीजिएगा तो छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन पे चलिएगा चितंबरा का लेखक बताइएगा सभी लोग फटाफट चितंबरा का लेखक बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए जब तक नहीं बताइएगा जब तक आज इसमें छोड़ेंगे नहीं आप लोग को चितंबरा का लेखक बता दीजिएगा सभी लोग चलिएगा बताइएगा चितंबरा का लेखक नहीं बताइएगा तो आज आप लोग को छोड़ेंगे नहीं चलिए इतना आसान क्वेश्चन सुमित्रा नंदन पंत आप लोग याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत ध्यान रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जितने भी लगाए हैं सही है सुमित्रा नंदन पंत ध्यान रखिएगा चितम्बरा का लेखक सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत करेक्ट आंसर होगा नंदन पंत चितम्बरा का लेखक सुमित्रा नंदन पंत जितने भी स्टूडेंट सुमित्रा नंदन पंत लगाए थे सही है

संगीता जी का का भी सही है, भारती जी का सही है, है, भारती निधि जी का सही है चलिएगा पिंटू जी का भी सही आंसर आ गया चलिएगा वायलेट अलवा जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है वायलेट अलवा भंटी जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को रिफ्रेश कर लीजिए आप चलिएगा वायलेट अलवा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा वायलेट अलवा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी

और बताइएगा निधि जी, 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 जी का सही है शिवानी जी का सही है कौश्मी जी का सही है मनीष आरिया जी का सही है रिया जी का सही है जया प्रभा का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल सभी का आंसर सही है अश्विनी जी का सही है पूनम जी का सही है मधु गुप्ता जी का सही है बिल्कुल संतोष यादव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा संतोष यादव बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दो बार जो चढ़ी थी कौन दो संतोष यादव बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है ऑप्शन इसके ऑप्शन तो है नहीं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया नंबर क्वेश्चन न्यायालय के बताइएगा कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी उच्च न्यायालय के बताइएगा कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट न्यायालय के बताइएगा चलिएगा बिल्कुल शिवानी जी का सही है बंटी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है मनीष राजी का सही है निधि जी का सही है कौशमी जी का सही है जया प्रभा का सही है स्वीटी राज जी का सही है पूनम जी का सही है चलिएगा काजल जी का भी सही है लीला सेठ बिल्कुल करेक्ट आंसर है लीला सेठ आप लोग ध्यान रखिएगा लीला सेठ लीला सेठ कहां की बनी थी तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश लीला सेठ कहां की बनी थी तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश की बनी थी यानी उच्च न्यायालय की प्रथम जो महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश की बनी थी कौन बनी थी तो लीला सेठ चलिएगा बहत्तर नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को पर आ गया ध्यान दीजिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली बताइएगा कि भारतीय महिला चलिएगा बताइएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली बताइएगा कि भारतीय महिला चलिएगा चलिएगा बीना भारती जी का सही है रिया जी का सही है शिवानी जी का भी सही है निधि जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए मनीष आर्यन जी का भी सही आंसर है मनीष राज जी का भी सही है पूनम जी का सही है काजल जी का सही है माधव जी का सही है प्रभाव का सही है चलिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा सभी का मदर ट्रेसा मदर ट्रेसा को दिया गया था कब दिया गया था तो आप को पता चाहिए कि में मदर ट्रेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न कब दिया, तो दिया गया था तो उन्नीस सौ उन्यासी में कौन सा नोबेल प्राइस दिया गया था मदर ट्रेसा कहा के निवासी थे तो अल्बनिया के चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके पढ़ा गया ध्यान दिएगा कि प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश बताइएगा कि कौन बनी थी सत्र न्यायाधीश बताइएगा सभी लोग फटाफट सत्र न्यायाधीश

पूनम जी का भी सही है रवि आंशु जी का भी सही है राम पुकार जी का भी सही है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके आग गया ध्यान दीजिएगा चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली बताइएगा कि पहली भारतीय महिला कौन बनी है बताइएगा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले बताइएगा कि प्रथम महिला चलिएगा मनीष राय जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बिना भारती जी का सही है माधव जी का सही है संगीता जी का सही है बंटी जी का सही है रिया जी का सही है या प्रभा का सही है रणधीर जी का सही है कौश्मी जी का सही है पूनम जी का सही है काजल जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए आप लोग लास्ट तक रुके दिया जाएगा रविशु जी का सही है प्रवीण अजय जी का भी सही है तो ध्यान रखिएगा आरती साहा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान ध्यान दीजिएगा आरती साहा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रखिएगा इसका एन इंग्लिश चैनल को तर कर पार करने वाली आरती साहा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन को गया ध्यान कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली बताइएगा कि प्रथम महिला एवरेस्ट शिखर पर बताइएगा पहुंचने वाली बताइएगा कि प्रथम महिला चलिएगा ये क्वेश्चन लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली बताइएगा चलिए क्वेश्चन रिपीटेड है बता दीजिएगा फिर भी चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है बिना भारती जी का सही है चलिएगा माधव जी का सही है निधि जी का सही है कौश्मी जी का सही है या प्रभा का सही है राम पुकार जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा आप लोग चलिएगा बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन रिपीटेड है बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर होगा बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर होगा यानी एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा तो सभी लोग इतना क्वेश्चन आपको सेवेंटी फाइव क्वेश्चन ही आज आप लोग को दिया गया था सेवेंटी फाइव अब हम लोग होमवर्क के रूप में आप लोग को लिखना है तो होमवर्क में आपको क्या दिया जा रहा है ध्यान रखिएगा मैंने कल ही बताया था होमवर्क के लिए कल ही बताया गया था आप लोग को कि जो जिस अनुसार आपका रूटीन सेट किया गया है तो ध्यान रखिएगा चलिएगा रखिएगा अब होमवर्क आप लोगों को दिया जा रहा है तो होमवर्क आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं पे तो ध्यान रखिएगा बायो बायो उस दिन है के साथ ज्योग्राफी है यही ना होमवर्क था बताइए आप लोग बताइए रूटीन में ही ना बायो और ज्योग्राफी है सभी लोग बता दीजिएगा चलिए बताइएगा बताइएगा सभी लोग बायो और ज्योग्राफी है सभी लोगों को सही आंसर आ रहा तो ध्यान रखिएगा बायो और ज्योग्राफी है तो ध्यान दीजिएगा बायो में कौन सा चैप्टर आपको याद करना है थोड़ा सा है। मैं देख लेता हूँ बुक्स में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर ही पढ़कर क्या है क्योंकि हम लोग शुरू करेंगे यानी शुरू से कहां तक पढ़ कर आना है वो मैं सिर्फ बता देता हूँ कि कहाँ तक आपको पढ़कर क्या आना है बायो में तो आप लोग ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा कहां तक पढ़ के आना है कोशिका विज्ञान के ऊपर पहला चैप्टर पूरा खत्म करके आना है वर्गीकरण माइकोलॉजी फाइकोलॉजी पूरा याद करना जी जी भी हैं, तो कहां तक है पहला बायो में पूरा याद करके आना है बायो में फर्स्ट चैप्टर पूरा याद करके आना है हाँ लूसेंट से बिल्कुल लूसेंट जो सब्जेक्टिव लूसेंट है लूसेंट जो सब्जेक्टिव लूसेंट है उससे सब्जेक्टिव लूसेंट से चलिएगा बिल्कुल इतना हो गया यानी बायो में फर्स्ट चैप्टर पढ़कर क्या आना है सब्जेक्टिव लूसेंट से बायो में फर्स्ट लेसन फर्स्ट लेसन बायो में फर्स्ट लेसन और भी लूसेंट से सब्जेक्टिव लूसेंट उसके बाद ज्योग्राफी हम लोग चलते हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग विश्व भूगोल से ही स्टार्ट करेंगे और शुरू से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन जो शुरू में कुछ फालतू चीजें दी हुई है उसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो मैं बता देता हूँ कहाँ से पढ़कर क्या आना है चलिएगा कोशिका विभाजन पहला चैप्टर सिर्फ पढ़कर क्या आना है पहला चैप्टर कोशिका विज्ञान में नहीं आपको घूसना है पहला चैप्टर ही सिर्फ पढ़कर क्या आना है पहला चैप्टर ही सिर्फ और मैं बताता हूँ ज्योग्राफी में होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी में आपको पढ़ करके आना है कौन सा चैप्टर दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर जो ब्रह्मांड है इसमें सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है ब्रह्मांड से उतना क्वेश्चन बनता नहीं है इस वजह से आप दूसरा चैप्टर पढ़ करके आइएगा दूसरा चैप्टर में कहां तक पढ़ करके आइएगा मैं उसको भी बता देता हूँ दूसरा चैप्टर में आप ग्रह पढ़ करके आइएगा कहाँ तक मंगल में मंगल तक पढ़ करके आइएगा ध्यान दीजिएगा सौर हाँ, मंडल बिल्कुल दूसरा चैप्टर सौर मंडल पढ़कर क्या ना है ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर पढ़कर क्या ना है सौर मंडल में कहाँ तक ये भी मैं बता देता हूँ सौर मंडल कहां तक आपको एक सेकेंड दे, देख लेने दीजिए हमको चलिएगा बिल्कुल आप लोग पढ़ कर आइएगा कहा तक मंगल तक पढ़ कर क्या ना है मंगल तक मंगल ग्रह तक पढ़ कर क्या ना है इसमें ध्यान रखिएगा चलिएगा और पीडी में पेज नंबर दो पढ़ के क्या है मंगल ग्रह तक यहाँ पढ़ना है एसपीडी का आप लोग ले लीजिए होमवर्क एक सेकंड रुक जाइए आप लोग सभी लोग होमवर्क आप लोग ले करके जाइएगा बिना होमवर्क ले, ले जाने से कोई फायदा है नहीं तो आप लोग होमवर्क ले लीजिएगा तभी ना पढ़िएगा कल आपको छुट्टी भी है ऐसे लेकिन कल रिकॉर्डेड वीडियो एक जाएगा तो आप लोग तैयार रहिएगा बजे चलिएगा और में आपका पेज नंबर पढ़ आना है इसमें बहुत सारा है तो ध्यान रखिएगा कौन कौन पढ़ आना है इसमें भी सौर मंडल दिया हुआ है तो सौर मंडल हो ही जाएगा दोनों एक ही साथ हो जाएगा चलिए तो पूरा पेज नंबर दो पढ़कर क्या आना है एसपीडी जो है आरस एसपीडी जो है सभी के पास होगा ही तो पेज नंबर दो आरस एसपीडी में पढ़िएगा चलिएगा तो ध्यान रखिएगा तो आर से जो स्पीडी है ध्यान रखिएगा कि जो स्पीडी में कहां तक पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा स्पीडी में पेज नंबर एक हो गया है पेज नंबर दो में क्या क्या तो भारत एक परिचय है जनगणना है और उसके बाद सौर मंडल है तो ये भी आप लोग पढ़िएगा चलिएगा कम्युनिटी में देखिएगा कम्युनिटी में फोटो नहीं भेज सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन होता है वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है चैनल बंद हो सकता है इस वजह से ध्यान रखिएगा